सोच रहे हो कि हम घर बैठ के भी पॉडकास्ट ले सकते थे, मगर हम इतना दूर बस में बैठ बूट के क्यों आए हैं? हियर इज द आंसर। मिल तो कोई भी जाता है, लेकिन गाइड करने वाले ना सही नहीं मिलते। रीजन पे है जो ना, साउथ एशिया पे, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो बंदे चाहिए। बिल्कुल, बल्कि और फील्ड भी हैं जिनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है, इवन आर्ट्स की बहुत डिमांड है। जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड भी एंथ्रोपोलॉजी का हो, बिल्कुल भी नहीं। बर्लिन को एक आर्ट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे यार स्कॉलरशिप्स मिलते हैं अगर आपको पियानो भी बजाना आता है। पहले दो बार अप्लाई कर चुका था, रिजेक्शन आ गई, इस बेस पे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में उसने पता नहीं क्या गड़बड़ी हमारी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं फाइक भाई, और फाइक भाई का ताल्लुक है कहाँ से? सिंध से। सिंध में कहाँ से, किस सिटी से? सिंध में मेरा ताल्लुक है सखर से। सखर से, सही है, बिल्कुल ठीक है। फाइक भाई सखर से हैं, और माशाल्लाह यहाँ मिनिस्टर में पिछले कुछ अरसे से हैं, यहाँ पे डिग्री की है इन्होंने, अभी कम्प्लीट थीसिस सबमिट हो गए। थीसिस के बाद अब ये डिफेंस का वेट कर रहे हैं, और इन्होंने डिग्री किया जी सोशल साइंसेज में। ठीक है, ये वो डिग्री है जो इतनी कॉमन नहीं है जर्मनी में ना। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग के, जिस तरह आपने मेरे भी पॉडकास्ट देखे हैं, काफ़ी लोगों ने फिर सवाल भी किया था कि मुनी पे क्या सीन है, सोशल साइंसेज पे बात नहीं करते आप, आर्ट पे बात नहीं करते, फिल्म मेकिंग वगैरह पे, इन टॉपिक्स पे बात नहीं हो रही, क्या जर्मनी सिर्फ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ही है? तो अगेन फाइक भाई के एक एग्ज़ाम्पल हैं, और इस तरह की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल हैं, स्पेशली म्यूनिस्टर सिटी में। ये अगर आपको पीछे दिख रहा होगा, एक श्लोस है, म्यूनिस्टर श्लोस कहते हैं इसे, और ये बड़ा यहाँ का एक ना ट्रेडमार्क टाइप है, लाइक फेमस टाइप की लोकेशन, यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं। और मज़े की इसकी बात ये है कि इसके आगे ना एक बहुत बड़ा अच्छा खासा सिटिंग एरिया है, तो आके लोग शाम को आके यहाँ पे ना सही पार्टीशन करते हैं। मैं क्योंकि सिटी में नया हूँ, तो फाइक भाई ने अक्सर चीज़ें मुझे बताई हैं। हम सिटी का भी एक व्लॉग आएगा म्यूनिस्टर सिटी का, जिसमें हम आपको ना बड़ी फिट फिट जगह कवर करवाएंगे। खैर, अभी जो डिस्कस होने लगा है वो ये हो रहा है कि जी फाइक भाई, सोशल साइंसेस क्या सोच के आपका जर्मनी में ख्याल आया? क्योंकि मोस्टली जर्मनी इज़ मोर अबाउट इंजीनियरिंग या IT वगैरह वाला सीन है, और अगर आया तो आपको कैसे पता लगा यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज भी हैं? असल में जो है ना, मेरा सब्जेक्ट जो है ना सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मैंने पाकिस्तान से भी ना कायद अजम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम जो पढ़ते हैं, या जो जिसका एंथ्रोपोलॉजी का बैकग्राउंड होगा उसको पता है कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, या अमेरिका हो गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो भी हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि हम सारे जो स्कॉलर्स जिनका जो है ना लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, वो मोस्टली यूरोपियन या जो है ना वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, तो क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री बहुत डाइवर्स है। बिल्कुल, हाँ, तब से पता था। और जर्मनी में मोस्टली जो है ना लोग इसलिए भी आते हैं पाकिस्तान से कि यहाँ पर जो है ना ट्यूशन फीस बिल्कुल कम है इस हिसाब से, और दूसरा ये कि जो है ना मैंने जब सर्च किया था, बहुत ही आसान है उसका तरीक़ेकार कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को ना किस तरह टारगेट करें, किस तरह सर्च करें, तो इनकी जो वेबसाइट है DAAD वालों की जो है ना, उसमें पूरी इंग्लिश में उन्होंने दी, एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसमें आप देख भी सकते हैं कि सर्च कैसे कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। बिल्कुल, वो मैंने बनाई थी, तो उसमें जो अपना सब्जेक्ट लिखेंगे ना तो उसमें आपका सारे जो है ना सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। मैंने सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी लिखा, मास्टर्स लिखा, तो मुझे जो है ना जर्मनी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ आई, जिसमें से जो है ना ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंस्टर जो है ना WWU ये भी थी, और दूसरी जो है ना फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन हो गई, या अच्छा और यूनिवर्सिटी, बिल्कुल हमबर्ग में भी है, हालांकि मैंने तो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था मैंने। अच्छा, एक में किया? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं आप लड़के। बोन में भी है मैंने सुना, एक बड़ी यूनिवर्सिटी, एक हाँ बोन वाली यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है यूनिवर्सिटी है। प्रोसीजर वाकई जब पाकिस्तान में बैठे होते हो आप, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह जो है ना अप्लाई करो। मेरे साथ यही हुआ था कि जो है ना मेरा एक साल तो इस वजह से ज़ाया हो गया कि मैंने जो है ना डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं थे, मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। आपको पता नहीं होता, क्योंकि जब नया नया स्टेप कर रहे हो तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं अक्सर मिस हो जाते हैं, इसे जो लोग मेरे पास भी आते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स का इसीलिए देख रहे होते हैं कि यार आप फाइल वगैरह सही कर देते हो, आप डॉक्यूमेंट कम्प्लीट कर देते हो, लेकिन नॉर्मली ये होता है वहाँ इतने मुश्किल काम है नहीं है, लेकिन कोई एक आधा डॉक्यूमेंट भी मिसिंग हो जाए ना, तो आपका या फिर आपका एडमिशन साल साल लटक सकता है। कोई एक छोटा सा, जिस तरह A1 किसी ने मांगा हुआ है, आपने A1 नहीं दिया, वो एक रिक्वायरमेंट थी जो आपने पूरी नहीं की, आपका साल ज़ाया।
तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनकी बेस पे आपका साल ज़ाया हो सकता है। टाइम भी हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं इस बात को, उस टाइम हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। आजकल तो यूट्यूब के थ्रू आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक मुनीब भाई जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे नहीं था, मुझे याद है कि मुझे यहाँ का जो है ना मिंस्टर यूनिवर्सिटी का जो है ना कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने कोई यहाँ पे फेसबुक, मुझे याद है कि कोई एक शीशा कैफे उनका पेज था, उससे कॉन्टेक्ट किया कि भाई मुझे जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में ना मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मैं किस तरह, उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे शीशा फूंक रहा हूँ बिल्कुल, तो किस तरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह करूँ। अच्छा वहीं जाएंगे शीशा फूंकने बिल्कुल। फिर हुआ ये यहाँ का एक PhD का स्टूडेंट मिल गया, कोई ईरानी था, उसने भी यही कहा कि मैं तो खुद जो है ना PhD कर रहा हूँ लेकिन मास्टर्स का पता नहीं है। उसकी फिर कोई फ्रेंड थी, उसने जो है ना बताया, उसके थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि ये बड़ा इन्फॉर्मेशन इज़ द की, कोई अगर कोई बंदा है ना आपका यहाँ पे और अगर आपको मिल जाता है और वो बता देता है, क्योंकि मिल तो कोई भी जाता है लेकिन गाइड करने वाले ना सही नहीं मिलते आपको बिल्कुल, वो जी अपने इतने काम होते हैं उनके, वो कहते हैं यार ये क्या। और दूसरा आप अनोय भी हो जाते हैं क्योंकि हर बंदा आपसे पूछ रहा होता है, स्पेशली जब अननोन कोई बंदा हो, वो आजकल के दौर में टाइम ना इतना निकालते नहीं है वो, अनफॉर्चुनेटली निकालना चाहिए बट निकालते नहीं है। एक उनकी थोड़ी सी गलती कहूँगा, लेकिन ज़्यादा ये भी होता है कि उनके पास ना वो जिच हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, एक सवाल आप उनसे पूछते रहोगे फिर अवॉइड करने लग जाते हैं, तो ये वाला सीन बिल्कुल बिल्कुल यही वाला है। और खैर जो है ना फिर मैंने नेक्स्ट ईयर जो है ना अप्लाई किया, और वही है उसका प्रोसीजर, बड़ा सिंपल है कि आप अपना एक कवर लेटर मोटिवेशन लेटर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत उस वो आपका जो है ना ऐसे समझे कि मेन रोल जो है अदा करता है एडमिशन के लिए, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना, और कई लोगों को नहीं लिखना होता ना वो उसमें अगर नहीं लिखना आता प्रोफेशनल हेल्प लो भाई, अपने वर्ड्स को एटलीस्ट इंग्लिश में सही तरह एक्सप्लेन करो, किसी से भी ले लो, मुझसे नहीं लेनी किसी से भी ले लो अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं भी अप्लाई कर रहा था ना, कुछ मेरा दोस्त था उसको वैसे तो ग्रेड वगैरह सब अच्छे थे लेकिन उसे ना एक्सप्लेनेशन नहीं आती थी कि यार मैं किस तरह लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखूं, किस तरह रिलेट करूं, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है काम। सही। फिर उसने ना प्रोफेशनल हेल्प ली और उसका एडमिशन हो गया। बिल्कुल। पहले 2 बार अप्लाई कर चुका था, रिजेक्शन आ गई इस बेस पे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में उसने पता नहीं क्या यबड़ी हमारी में थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, हम इसे थोड़ा ईजी ले लेते हैं लेकिन ईजी लेने वाली चीज़ है नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो करें और आई गेस प्रोसेस बहुत आसान है। और अगर आपको कोई जो है ना हेल्प चाहिए तो मनीष भाई बैठे हुए हैं तो, और सोशल साइंसेज में तो बहुत आसान है एडमिशन लेना, जर्मनी में सोशल साइंसेज में बहुत आसान है क्योंकि लोग आते ही नहीं है यहाँ पे, और स्पेशली मेरे वाले सब्जेक्ट में तो ये है कि हमारे जो ऐसे समझे कि रिसर्च या जो फोकस है वो साउथ एशियन रीजन पे है, जो है ना साउथ एशिया पे, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो बंदे चाहिए बिल्कुल, तो वहाँ को बड़ा प्रेफर करते हैं स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में, तो वो कहते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ का और साउथ अफ्रीका का, और जो है ना क्योंकि सारी रिसर्च जो है ना वहाँ जो है ना वो पाकिस्तानी सोसाइटी केसेस भी तो ऐसे ही आ रहे हैं ना हमारी तरफ से आते हैं, रेफ्यूजीज टाइप हो गए जिससे डीलिंग करनी पड़ती है, वो पाकिस्तानी यहाँ पे काफ़ी हैं, इंडिया से काफ़ी आते हैं, साउथ सीरिया से जिस तरह आप देख रहे हैं काफ़ी आए हैं, तो ये सारी जो एशियन साइड है वो सारी ईरान इराक वाली साइड है, वहाँ से बड़ा ईजी है यहाँ पर आना क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये लोग रिलेट कर पाते हैं मसलों को, और दूसरा ये जब जॉब्स लगेंगे इनकी ये लोग कनेक्ट कर पाएंगे उन लोगों से जिन्हें एक्चुअल में नीड है, तो अगर इन्हें कि मदर टंग जिस तरह आप यहाँ पे आते हो सपोज यहाँ पे कोई पाकिस्तानी असाइलम करता है उसके लिए ज़्यादा सही ये रहेगा कि किसी उर्दू जानने वाले बंदे से वो बात करे, ठीक है, वो मदर टंग में कनेक्ट हो पाता है सही तरह, तो इनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए भी बड़ा फ़ायदा है, और इनके लिए तो है ही है कि यार ये अगर यूएन में काम करते हैं तो यूएन को तो लोग चाहिए होते हैं जो दूसरे लोगों को समझा सकें, गाइड कर सकें। बिल्कुल। और पाकिस्तान में सोशल साइंस का स्कोप है ही नहीं, मतलब आप क्या करते हो, पहले लोग जो जो भी मास्टर या बैचलर करते हैं वो सबसे पहले तो क्या CSS के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन बिल्कुल समझते हैं कि ये पहला और आखिरी जो है ना ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप CSS दें आपका जो है ना वो अगर अच्छी बात है तो दें, शौक है तो दें, वो जो है ना मजबूरी में ना दें यार बिल्कुल, अगर आपका शौक नहीं है तो फिर बिल्कुल भी ना दें, और फिर बेहतर ये है कि आप जो है ना बाहर निकल आएँ और बाहर दें। और इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं पर्टिकुलरली मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड भी एंथ्रोपोलॉजी का हो, बिल्कुल भी नहीं, आपने इंटरनेशनल रिलेशन में किया हो, हिस्ट्री में किया है, लिंग्विस्टिक में किया है, या सोशल साइंस का कोई भी और सब्जेक्ट है, और जो है मास्टर्स एंथ्रोपोलॉजी में करना चाह रहे हैं, जूलॉजी वगैरह में भी
नहीं वो नेचुरल साइंस वो बायोलॉजी हो जाती है वहाँ पे कर सकते हैं। एक मैं था और एक और लड़की थी इंडोनेशियन, तो दो थे जिनकी जो है ना वो बैचलर्स भी ना एंथ्रोपोलॉजी में थी। एंथ्रोपोलॉजी होती क्या बेसिकली? ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन बिहेवियर। और आजकल तो ऐसे समझें कि मतलब हम ये पढ़ते हैं कि बेसिकली ह्यूमन लाइफ को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में भी यूज़ हो रही है और बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री। बड़े बड़े मज़े की लग रही है कि मतलब जिस तरह रोबोट्स हैं ह्यूमन का उनके साथ इंटरेक्शन, ये भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार ये तो। और मज़े की बात, अगर आपको साइंस पसंद नहीं है, इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, मुश्किल लगती है, और अगर आप बड़े सोशल टाइप के बंदे हैं और आपको बातें करना अच्छा लगता है, आपको लोगों का बिहेवियर एनालाइज करना अच्छा लगता है, सोसाइटी में इन जनरल बना हुआ है क्या इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो वरना कैरियर तबाह है। भाई क्यों तबाह है? इतनी फील्ड्स हैं। अब सोशल साइंसेज करके यहाँ पे माशाल्लाह जर्मनी में भी इन्होंने डिग्री की है, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई है। ठीक है, ये सुनी सुनाई बातें हो ना वो तो डिफरेंट होता है, बंदा कि अच्छा होगा एडमिशन हो जाएगा, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। पीछे शलोस देख लें, हमने कोई किराए का लेके नहीं, भाड़े पर नहीं लगाया, ये असल में है। तो दीज आर दी फैक्ट्स, ठीक है, ये रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स हैं। और ये वीडियो भी बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि आपको बताएं कि इंजीनियरिंग या मेडिकल ही वो ओनली फील्ड नहीं है जिन्हें करके आपका होराइजन या आपका वो जो होता है ना वो खुलता है, जो जोन होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, बल्कि और फील्ड्स भी हैं जिनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। इवन आर्ट्स की बहुत डिमांड है यहाँ पर, फिल्म मेकिंग की बड़ी डिमांड है यहाँ पर, लिंग्विस्टिक की बात की जाए, इंग्लिश लिटरेचर की बड़ी डिमांड है यहाँ पे। हर फील्ड की यार कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसकी डिमांड नहीं है। बर्लिन को एक आर्ट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे यार स्कॉलरशिप्स मिलते हैं अगर आपको पियानो भी बजाना आता हो। आपका किसी और डिपार्टमेंट में या इसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट? कुल हमारे सिटी के साथ ही है एक राइनेवाल यूनिवर्सिटी और राइने सिटी, तो उसमें यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे भी ये होता है कि आप बैचलर्स किसी भी सब्जेक्ट में सोशल साइंस में है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट इस तरह से ही रिलेटेड सब्जेक्ट है, वहाँ भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे मिंस्टर यूनिवर्सिटी में है विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, फिल्म मेकिंग, एंड आप जानते हैं सदाम हुसैन को जो ना वो उन्हें भी पकड़ूंगा। बिल्कुल, तो फिल्म मेकिंग के लिए वहाँ पे भी इजीली आपको जो है ना एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन फिल्म मेकिंग ना फीस है पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल है हर जगह फिल्म मेकिंग की फीस। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा महंगा कोर्स है, इनका कोर्स जो है फ्री वाला कोर्स है। बिल्कुल, बाकी यार यहाँ पे आके आपको कल्चर एक्सपीरियंस करते हो, लोगों से मिलते हो, आपकी पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम होती है। सिंध में अब निकलना बड़ा ना वो माना जाता है, सिंध के अक्सर लोग आते नहीं है। मुझे पता है कि यार अगर एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो ना, पंजाबियों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सिंधियों को भी, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हमें ही किए ना सारे, तो वाई पंजाबियों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, सिंधियों को कम क्यों मिल रही है? लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप पढ़ सकते हैं सिंध में भी रह के, और लोग पढ़ते हैं, आप कराची में जाके भी पढ़ सकते हैं, आप सिंध में मतलब अच्छे अच्छे, आपने सिंध से किया? बिल्कुल ना? बिल्कुल हाँ। कहाँ से किया था? मैंने जो है ना वैसे तो मैंने काले साइड से बीएस किया था वो 2 ईयर्स, फिर उसके बाद मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद चला गया था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। मतलब एक अच्छी चीज़ ये है सिंधियों के, सिंधी होने के लिहाज से, कि अगर वहाँ भी नहीं है ना तो आपको मुल्क में रहते हुए आपको पहले ही एक मिल गया कि मैंने इंडिपेंडेंट कैसे रहना। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टल का माहौल और सारा कि मैंने कैसे, जब यहाँ पे आए तो इतने मुश्किल हुई नहीं ऑलरेडी। मेरे ख्याल में सिंधी मेरे भी बड़े दोस्त थे वहाँ नश्क में, बड़े दोस्त मेरे सिंधी पढ़ रहे थे, वो बड़े ट्रेंड हो जाते हैं यार घर से दूर रहने में, अपने चीज़ें मैनेज करने में, अपने आप को संभालने में, क्योंकि जब अकेले रहते हो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो हम जिस तरह मेरा सीन था, मुझे तो बड़ा हुआ था यार किधर आ गया हूँ, क्योंकि नश्क में मैं डे स्कॉलर था, डे स्कॉलर होता है कि मेरा घर इस्लामाबाद में था, नश्क भी इस्लामाबाद में थी, तो मुझे हॉस्टल का इतना एनवायरनमेंट मिला नहीं था। तो यहाँ पे आके मुझे फील हो रहा था कि यार मैं थोड़ा इन लोगों से ना ज़रा पीछे हूँ जिन्होंने वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना सीख लिया, तो मुझे सीखना पड़ा था यहाँ पे आके। तो सिंधी तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह ऑलरेडी बड़े ट्रेंड है और बड़े बड़े लाइक लोग होते हैं। बड़े मज़े का किस्सा बताता हूँ मैं, बल्कि आपको भी मैंने सुनाया था। आनंद कुमार मेरा एक दोस्त था, सिंध से था वो जी इस्लामाबाद में आया हमारे कॉलेज में। अब सिंध के बारे में ना हमने बड़ी बातें सुनी है कि जी नकल होती है, ये होती है, वो होती है, कुछ में होती भी है जगह पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप जनरलाइज कर देना हर चीज़ को। अच्छा जी, वो आया हमारी क्लास में, हमने कहा ये तो सिंध से आया ना, अब हमारा फेडरल बोर्ड था, बड़े हम चौड़े में फिर रहे कि यार ये सिंध से आया, इसने क्या करना है, सही है। उसने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, फर्स्ट ईयर में उसकी थी क्लास में सेकंड पोजीशन ना 95%। हम सारे हैरान यार इसे क्या हुआ। फिर जब 12th का आया उसकी बोर्ड में 3rd पोजीशन आई, पूरे फेडरल बोर्ड में उसकी 3rd पोजीशन आई, और सबका उसने मुंह बंद कराया कि ये तुम फेडरल वाले हो ना, ये जो तुम सिंधियों को बोलते हो। उसने कहा नहीं, लेकिन हमें समझ लग गई थी कि भाई ये लाइक लोग माशाल्लाह हर जगह पे होते हैं, अल्लाह ने हर किसी को दिमाग दिया और हर कोई कुछ भी कर सकता है।
ठीक है, तो ये एक बड़ा एक फैक्टर है, तो इजी नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। फिर मैं पाकिस्तान में यही है ना कि जनरलाइज हम बहुत करते हैं कि बस के जो है ना लाइक मुझे जो भी जो है ना पंजाब से मिलेगा वो कहेगा अच्छा आप तो सिंध, आप तो जो है ना पीपल्स पार्टी जियो भुट्टो जरदारी, आप तो बस उसको जो है ना ऐसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी पीपल्स पार्टी ये सिंध से कोई ताल्लुक रखता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये बस ये पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है या कुछ है। हर बिल्कुल चॉइस है तो आप किसी को जो है ना वो नहीं कर सकते, बिल्कुल ये सीन है। बाकी बड़ा अच्छा लगा फाइक भाई, पहले आप सिंधी बंदे थे जो मेरे चैनल पर आए हैं और मेरा ख्याल है सिंध वाले लोग लाजमी ये देखिए और मोटिवेट होइएगा। बहुत अच्छा लगा और मैं तो चाहूँगा कि जो है ना कोई भी सवाल हो आप मुनीब भाई के चैनल के थ्रू जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं muneebrand.mr, यहाँ चल भी रहा होगा, और कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, कोई मसला है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और बाकी मेरा ख्याल है थैंक यू सो मच फाइक भाई, थैंक यू। बाकी अब ये इंजॉय करें, हम निकलते हैं, अभी टाइम भी हो गया हमारा और निकलना भी है हमने, ठीक है। शीशा पीना ना, शीशा पीना, बिल्कुल ओके। Love is.